अगर देखिए कैसे बदल दी स्कूल की तस्वीर। गांव के सरकारी स्कूल में 23 बच्चों की बढ़ोतरी। हेडमास्टर खुद अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं गरीब बच्चों को। ईंट भट्ठे पर रहने वाले बच्चे अपनी ही गाड़ी में लेकर सुबह सुबह कैसे टीचर स्कूल में लेकर आते हैं। राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल आज फिलहाल अपने गांव खेड़का गुजर में आए हैं। बच्चे बढ़ गए स्कूल में, बात करेंगे एक बच्चा लाना। आओ जी देखो, देख को भाई स्कूल का पहले देखो कैसे गमले उमले पेड़ पौधे की वीडियो दिखावांगे अपने। साफ सफाई देखो कितनी। अचानक आए हम स्कूल में आज, दादाजी लेकर आए हैं हमने स्कूल दिखाने के लिए। ये देख सको आप कैमरे के माध्यम से। पहले हम प्राइमरी की जानकारी लेवांगे हेडमास्टर साहब से। हेडमास्टर साहब नमस्कार, गेट पे मिल गए जी। नमस्कार जी, ठीक हो जी? अच्छा जी, के चल रहे हैं? आ जाओ आपको दिखाते हैं। अच्छा, पढ़ाई चल रही है। नमस्ते जी। मैं जो है ना, सबसे ज्यादा तरक्की तो शिक्षा के क्षेत्र में हुई है जी। पहले हमारे यहाँ ना बहुत कम बच्चे आते थे, थोड़ी सी हिचक मानते थे बच्चे यहाँ आते हुए। लेकिन अब हमने जो है ना गांव में जाकर, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है वो सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा है जी, और बालिकाओं पर भी शिक्षा के लिए वो है सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। तो हम सिर्फ सरकार के आदर्शों का पालन करते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ा रहे जी। तो हमारी जो स्टाफ है वो बड़ा मेहनती है, और उन्होंने 1.5 साल मुझे यहाँ आया हुआ है। 1.5 साल में इतना प्रयास कराया कि जितने बच्चे पहले थे उससे डबल बच्चे हमारे पास हो गए। अभी पिछले दिनों बीओ मैडम आई थी, उन्होंने हमारा प्राइमरी के अंदर 100वां एडमिशन किया था MIS के ऊपर। हमें बड़ी खुशी हुई। उससे पहले हमारे 68 बच्चे होते थे, आज हम 23 बच्चे तो हमारे पास भट्ठों से आते हैं। अभी हमने उनके नाम भी नहीं लिखे, उनके नाम हम लिखेंगे। 130 से ऊपर बच्चे चले जाएंगे। भट्ठों से इतने दूर से कैसे आते हैं जी? भट्ठों से है ना, कुछ तो भाई मैं अपनी गाड़ी में जाकर इनको ले आता हूँ और उसी में छोड़ आता हूँ, और कुछ मैंने एक टेम्पो भी लगा रखा है जी। वो भी हम पैसे जो है ना अपने पास से ही देते हैं। कौन से भट्ठे से आते हैं? ये बजरंग भट्ठे से बच्चे आते हैं। बजरंग भट्ठा काफी दूर पड़ता है गांव से। हाँ, गांव से 4-5 किलोमीटर है। लेकिन मैं एक दिन सर्वे में हम गए हुए थे अपने साथियों के साथ, हमने देखा है वो ये तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको पता ही नहीं स्कूल क्या है, समाज क्या है, संस्कृति क्या है। तो हमने सारे स्टाफ ने मिलकर ये मुहिम उठाई कि हम भाई इन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, इनको कोई इनको शिक्षा हम जरूर देंगे। उस दिन के बाद से हमने इनको स्कूल में लाए, हमने इनको निःशुल्क जो है कलर, ड्राइंग बुक, कायदा, कॉपी, पेंसिल, और एक हमारे साथी हैं ओमरोन शूज वाले सतीश जी, उन्होंने इन बच्चों के लिए जूते भी दिए फ्री में। तो हमें इनका पूरा प्रयास कर रहे हैं, बैग वगैरह भी नए ले रहे जी। हाँ, ये बच्चे सबसे जो बैग हैं, जो किताबें हैं, स्कूल की तरफ से निःशुल्क दी जा रही है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप हमारे गाँव के स्कूल का इतना ध्यान रखते हो, मैं अपने चैनल की तरफ से भी और अपने गाँव की तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ। आपने इतने बच्चे बढ़ाए हैं हमारे स्कूल में, गांव के स्कूल में, और गरीब बच्चे हैं ज्यादातर। देख कहा जो भट्ठा है वो बेचारा कि उनकी फीस देने का तो इतना जुगाड़ होता है। भट्ठों का तो ये है ना, इन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य ज्यादा रहेगा कि हम इनको अक्सर ज्ञान दें। इनके माँ बाप तो यहाँ आने के लिए मना कर रहे हैं कि इनके पास आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, फैमिली आईडी नहीं है। हमने उनको विश्वास दिलाया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी देखने में आया कि बच्चों में है ना बड़ी जिज्ञासा है पढ़ने की, ये बहुत इंटरेस्ट और मन लगा कर पढ़ते हैं। देखो अभी आपके सामने हमारा डिजिटल बोर्ड चल रहा है, और ये बच्चे कितने ध्यान से पूरे इसको देख रहे जी। हम नई तरीके से, नई जो टेक्नोलॉजी जो है, प्ले वे मेथड से हम इनको पढ़ाते हैं जी। एक बार स्कूल के बारे में और थोड़ा दिखा दो जी, क्या क्या स्कूल में पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, थोड़ा डिस्टर्ब ना होंगे, पढ़ लो। पढ़ते हैं। लाइब्रेरी कैसी है जी अपनी? बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, मैं आपको देने से ले ही चलता हूँ लाइब्रेरी। प्रोग्रेस के लिए साफ सफाई का बच्चों बढ़ावा, स्टाफ को हमेशा बिजी रखना, काफी काम किए जी, इसलिए गाँव इन सब काफी खुश है जी। बिल्डिंग भी बिल्कुल नई प्राइवेट स्कूल जैसी लग रही है जी। बिल्कुल नई तो नहीं, दिनेश जी बिल्डिंग तो हमारी पुरानी है, लेकिन हमने इसको रेनोवेट किया है गाँव की मदद से जी। हमारे गांव में जिससे भी हमने मदद मांगी और अपनी मर्जी से भी हर गांव का आदमी आ गया, मदद करके पंचायत और गांव पूरा सहयोग कर, पंचायत और गांव पूरा सहयोग कर रहा है। सर सुनील जी सरपंच साहब हैं यहाँ जी, वो पूरा सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। सतपाल प्रधान जी गौशाला के बहुत अच्छे, लाइब्रेरी रूम देखा प्रधान जी हैं,
तो वो भी बहुत से कर रहे हैं स्कूल में। उन्होंने अभी है ना फिल्टर लगवाए हैं, श्री जी के प्रदान है, उन्होंने दो फिल्टर दिए बच्चों को। अब देखो दिनेश जी लाए देखो जी। ये बच्चे जो है ना पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त किताबों को पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान। ये मैडम शैलिनी जी हैं, ये लाइब्रेरी की इंचार्ज हैं, और तो ये अपने बच्चों को लाइब्रेरी के फील्ड में यहाँ लेके आते हैं और इनको जो सिलेबस से अन्य किताबें हैं कहानियों की रोचक कहानियां शहीदों की किताबें हैं वो ये यहाँ पढ़ते हैं जी। मैं बात कर लूँ मैडम जी से? नमस्कार मैडम जी। कितने बच्चे आते हैं जी लाइब्रेरी में स्कूल के, क्या सभी बच्चे आते हैं? हाँ सभी बच्चे, हर क्लास के जो उनका पीरियड होता है उसके हिसाब से आते हैं। किस तरह से सिस्टम बना रखा है लाइब्रेरी? एक घंटे हमने पीटी मॉरल वैल्यू और लाइब्रेरी में डिवाइड कर रखी है, तो दो दिन बच्चे खेलते हैं, दो दिन मॉरल वैल्यू और दो दिन लाइब्रेरी। तो पढ़ने का सारा तरीका बताते हो आप, किस तरह से स्कूल से जुड़ी पुस्तकें या वैसे ज्ञान की कहानी की पुस्तकें हैं इनकी आगे से आई हुई है ऑफिस से, वो पुस्तकें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर पढ़ के बच्चे यहीं रखते हैं। तो घर भी ले जा सकते हैं बच्चे? हाँ कुछ लेना चाहते हैं हम इशू करते थे उनको। धन्यवाद आपका। वैसे हमने ना पूरा मतलब बच्चों को जो पूरा उसको ये देखते हुए कि हमारे बच्चों की किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि हमारे बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़े कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप, तो हमने कुछ वर्ड्स ऐसे दीवारों पे लिखे हैं शायद उनको वो याद होंगे, और हमें इंग्लिश की अतिरिक्त क्लासें भी ले रहे जो कमजोर विद्यार्थी हैं हमारे स्कूल में, हमारे टीचर अतिरिक्त समय देकर उनको पढ़ाते हैं। मतलब आपने पहले ही इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया शायद? हाँ इंग्लिश मीडियम में तो सरकार की मुहिम है कि भाई 100 बच्चे हो जाएंगे तो मॉडल स्कूल हो जाएगा, तो हम प्रयासरत हैं सरकार को हमारा ये मिडिल स्कूल जो है ये इंग्लिश मीडियम कर देना चाहिए। कितने बच्चों पे होता है सर, क्या स्कीम होती है? ये 100 बच्चे अगर प्राइमरी में आ जाए तो इंग्लिश मीडियम हो जाता है। अब हमारे पास आज MIS पे 112 के करीब बच्चे हैं और ये 23 बच्चे जो भट्ठों के अलग हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार को ये अब इंग्लिश मीडियम करना चाहिए जी। तो आपने कोई पत्र वगैरह सरकार पे लिखा है क्या? MIS पोर्टल होता है उस पे सारा डाटा अपडेट होता है, कर दिया गवर्नमेंट? हाँ वो अपडेट साथ ही साथ एडमिशन MIS को हो जाए तो बहुत जल्द तैयारी है मतलब? हाँ गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी है जी पूरी जी। तो भाई हम सरकार से भी ये वीडियो भी भेजना चाहेंगे, वहां तक पहुंच जाए ये वीडियो हमारी, और साहब की मदद करो, हेडमास्टर साहब की मदद करो, और मेरे स्कूल की भी मदद की जाए, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो होना चाहिए, बच्चे भी पूरे हैं सारी बात है। देख सको आप पहले इंग्लिश सिखाने शुरुआत हो चुकी है इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे जी। ये विज्ञान कक्ष है जी? हाँ ये विज्ञान कक्ष है जी, और इसमें जैसे प्रैक्टिकल का एक पीरियड आता है छठी का सातवीं आठवीं का हर वीक में जी, तो प्रवीण सर है वो अपना प्रैक्टिकल यहाँ बखूबी अच्छे से करवाते हैं जी। प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे पास पूरा सामान आया हुआ है लैब के अंदर, और बकायदा क्लासरूम में भी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ले जाकर प्रवीण जी अच्छे से करवाते हैं जी। स्कूल में क्या चीज ऐसी है जो आज ये समझा जा रहा है कि स्कूल में इस चीज की कमी है? कमी मेरे हिसाब से है ना थोड़ी सी ना शौचालय की कमी है जी। शौचालय जो है ना हमारे थोड़े से, एक तो हमारे पास स्वीपर नहीं है जी, एक वाटर कैरियर भी नहीं है, और कोई फोर्थ क्लास भी नहीं है जी। तो वो कमी हम थोड़ी महसूस कर रहे हैं कि हम शौचालय को प्रॉपर ढंग से साफ करवा कर वो जो सुविधा देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे जी। तो सर मैं पूछना चाहूंगा पहले बच्चे कम क्यों थे, कारण था इस बात का कि पहले बच्चे कम थे स्कूल में? क्या है कि हमारे आसपास जो है ना जी यहाँ प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा है जी, और ये बच्चे कुछ ऐसा रुझान बना कि प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे जी, तो फिर एक देख दूसरा देख ऐसे ही सब जाने लगे। लेकिन अब इन्होंने सरकारी स्कूल की खासियत का पता लगाया कि सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं जी, तो अब इनकी इतनी रुचि है कि एकदम बाढ़ सी आई हुई है, हर क्लास में 6-7 बच्चे बढ़ गए हैं जी। और जैसे पिछले साल 38-40 के बीच हमारे बच्चे थे लास्ट सेशन में मिडिल विंग में, अब हमारे पास 59 बच्चे हैं मिडिल विंग जी, और प्राइमरी में तो मैं अभी आपको बता ही रहा था MIS पे 110 के करीब, तो 10-12 बच्चे जी। और 23 बच्चे भट्ठों वाले हैं जो हम अभी MIS पे उनको कर नहीं पाए हैं। अभी बच्चों का लंच टाइम था क्या सर? हाँ लंच टाइम था, अभी लंच खत्म ही हुआ है, आने लगे अभी हम लंच टाइम में इजाजत लिए सर की, जब हम वीडियो बना रहे हैं अपनी और अभी ये पढ़ाई शुरू हो जाएगी, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसलिए सर से जानकारी ले रहे हैं मास्टर साहब के साथ हम जी। जरूरत थी वो लगभग गांव में मिल गए और हमने उसको पूरा किया है, जितना भी हमें लग रहा था कि बच्चों को ये चीज होनी चाहिए। दरवाजों पे जैसे पेंट वगैरह एक सिस्टम कलर देख सकते हो भाई आप कैमरे के माध्यम से, एक कलर ऐसा कर रखा है दरवाजों पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो अलग अलग तरह का। हाँ नहीं हमारे यहाँ एक तो लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर क्लास रूम के अंदर दो ट्यूबलाइट है और तीन पंखे,
और देखो बच्चे हैं ये मॉडल से भी पढ़ लेते हैं जी। हमारे पास मॉडल भी बहुत सारे उसके सभी मॉडल्स हैं हमारे पास अवेलेबल जी। हाँ और सभी क्लासरूम हमारे बहुत बेहतर हवादार खुले कमरे हैं, डेस्क वगैरह सभी में डेस्क पूरे हैं, डेस्क जो है ना बहुत अच्छे आए हुए, दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल बहुत प्रॉपर नीट एंड क्लीन है हमारा स्कूल, बहुत अच्छा जी जी। तो क्या सर आसपास के गांव के बच्चे भी दाखिला ले सकते हैं? हाँ कोई भी ले सकता है, हमारे पास दुलेड़े से बच्चे आते हैं जी, और भी बच्चे बहुत पूछ के जाते हैं, इंक्वायरी आते हैं हमारे पास जी। लेकिन फिर वो साधन क्या भाव में, या जैसे वो प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा वो है ना, तो वो उनको कैप्चर कर लेते हैं जी, वो उनको MIS पे नाम भी नहीं लिखते जी। और फिर भी उनको बैठाए रहते हैं कि आपका एडमिशन हो गया जी, ये भी देखने में आया जी। तो ये पेरेंट्स के साथ प्राइवेट स्कूलों में धोखा भी चल रहा है बहुत ज्यादा जी। हाँ लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो बच्चा आएगा सीधा MIS पे एडमिशन होगा और स्कूल में गवर्नमेंट के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। फीस वगैरह का भी थोड़ा है? ना ना हमारे यहाँ कोई फीस लगती ही नहीं। नहीं प्राइवेट स्कूलों में कितनी लगती होगी? तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, नहीं मतलब ज्यादा है फीस, बहुत ज्यादा है, सुविधा सारी बराबर ही होती है हमारे पास, उनसे ज्यादा सुविधा है, ज्यादा है। हमारा तो डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर लैब है, और हमारे जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड है जी सर, एक्सपीरियंस है उनको, वो NCERT से सेमिनार होते हैं उनके टाइम टू टाइम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उनको तो पता भी नहीं होगा प्राइवेट स्कूल वालों को उसके बारे में, और हमारे टीचरों के कई कई सेमिनार हो लिए उस एजुकेशन के ऊपर। तो सर अपना जो खाने पीने का प्रबंध है वो कैसे, बच्चों को जो खाना पड़ता वो पौष्टिक खाना मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। पूरा गांव कहता है हमारा अच्छा स्टाफ मिला है, हेडमास्टर जी बहुत अच्छे आदमी है जो इस चीज को चला रहे जी 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 जी। ये प्राइमरी का कंप्यूटर रूम है, यहाँ बच्चे आगे कंप्यूटर पर काम भी करते हैं जी, और उनको बेसिक नॉलेज भी है कंप्यूटर के, हमारे एक्टिविटी रूम है जी। आप प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हमारे एक्टिविटी रूम, आप देखो दो मैडम है, कभी किसी भी कोई एक्टिविटी कराती है, पीछे कैरम बोर्ड की पट्टी पे चल रही है और आगे पेंटिंग बच्चों का है, डेली यहाँ बच्चे आते हैं, कभी सुलेख प्रतियोगिता होती है, कभी विज्ञान प्रतियोगिता होती है, कभी संस्कृत प्रतियोगिता होती है, हमेशा डेली यहाँ एक प्रतियोगिता जरूर होगी इस रूम के अंदर जी। हाँ जी हाँ जी, कभी किसी गेम की करवा देते हैं, कभी पेंटिंग की होती है, कभी सुलेख प्रतियोगिता करवा देते हैं जी। हाँ जी, तो सभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह, लेते हैं जी, खुश होते हैं बच्चे, खुशी से करते हैं। पार्टिसिपेट किया बच्चों ने कभी इस तरह का? हाँ जी, एक दो बार किया है, और तैयार करने लग रहे हैं बच्चे, तैयारी चल रही है जी। तो भाई देख सको आप, बहुत ही अच्छी सुविधा, हर चीज की सुविधा एक। नमस्ते जी जी, तो आप संस्कृत से हो जी? हाँ जी जी, बच्चे सीखते हैं संस्कृत अच्छे से? हाँ जी अच्छे से सीखते। तो दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार, सर्वप्रथम तो सागर जी एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आज जो स्वतंत्र पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, स्थानीय समुदाय की समस्याओं को उजागर करे, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब आपके यहाँ अपने गाँव के सरकारी स्कूल में आपका स्वागत है, और जैसा कि आप रोजाना प्रतिदिन देख नोट दिख रहे हैं, आपको भी काफी बदलाव आ चुका है विद्यालय में, और छात्र संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, यह सब रातों रातों संभव नहीं हो सकता। नहीं, मेहनत से एक गांव की स्थानीय समुदाय के सहयोग, SMG मेंबरों और स्टाफ सदस्यों की कठिन परिश्रम से संभव हुआ है, तकरीबन रेगुलर काम कर रहे हैं जी। दिनेश जी आप भी घूमे हो गाँव में, किस तरह बच्चों के एडमिशन बढ़े, क्या क्या बातें करनी पड़ी ग्रामीणों से, क्या समझाया ग्रामीणों को कि आपके स्कूल में बच्चे? यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई ये तो प्राइवेट संस्थान दुकानें हैं, वहाँ पर आप अपने गाड़ी बचने की कमाई ना लौटाए, और हम साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी करवाते हैं। मैं स्वयं भी रोहतक तक भी सैनिक स्कूल में पांचवी की छात्राओं को और तीन तीन नवोदय के भी वातावरण में टेस्ट प्रतियोगिता परीक्षा देवा के लेकर आया हूँ, और उन्होंने क्वालिफाई भी किया था जी, लेकिन वो थोड़े से अंतर से मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने से चूक गए जी। बाकी आपने कोशिश की, मेहनत की बच्चों पे? नहीं, छात्र काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं जी, और धीरे धीरे आपको अच्छे सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे, और गांव वालों का पेरेंट्स का हम विश्वास इतने में कामयाब हुए हैं, और धीरे धीरे रुझान बढ़ता जाएगा, और आपको आने वाले भविष्य में सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे जी। दिनेश सर कह रहे कि अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे परिणाम देंगे, ताकि लोगों को जितना विश्वास था अपने बच्चे इनके विश्वास पे यहाँ पे दाखिल कराए हैं ग्रामीणों ने, उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे, ये दिनेश जी का कहना है। और ये दिनेश जी की क्लास दिखाई है हमने, काफी अच्छी क्लास है, सभी बच्चे बड़े अच्छे ड्रेस पहन के आए हैं, स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, और अच्छी तरह बच्चों की तैयारी है, ये नहीं लग रहा है कि ये एक सरकारी स्कूल है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि
अच्छा मतलब जो गुरुकुल टाइप का कैश का नहीं जी, आचरण आचरण में स्कूल है। अब रूम है जहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं और अपने हाथ हाथ धोते हैं, तो पूरे तरीके लिखे हुए हैं अपने हाथ धोने के तरीके, देखिए पानी से हाथ धो, साबुन लगाओ, फिर उसको अच्छे से रगड़ो, उंगलियों के बीच में लगाओ, उंगलियों पकड़ के अंगूठा पकड़ कर, पूरे जितने पिक्चर्स होते हैं सारे जी, जी। और इसमें हमने खाने के लिए तो साफ सफाई तो हमारी है ही, होने भी लग रही है जी। और अभी खाना खत्म भी हुआ है जी, अभी हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल अचानक ही आए यहाँ पर। खाने के लिए हमने अलग से फिल्टर का इंतजाम किया, अंदर का खाने के लिए अलग से फिल्टर है और बच्चों के पीने के लिए अलग फिल्टर है जी। खाने का अलग फिल्टर है, पीने का अलग जी। अच्छा किचन है जी, बहुत साफ सुथरा किचन है, खाना बहुत अच्छा बनता है, पौष्टिक आहार बनता है हमारे यहाँ। अभी सफाई चल रही है यहाँ पे जी, खेल का भी बहुत ही अच्छा, झूले वगैरह बहुत ही तरीके से लगे हुए हैं।